जब चीता आए भारत को, आज तक वालों ने इंटरव्यू लिया कि आपको भारत आने में डर नहीं लगा क्या, तो चीते ने कहा हमने पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। देखिए हमारे अंदर इतनी देशभक्ति भर दी गई है, हमारे अंदर इतनी देशभक्ति भर दी गई है कि अब हम अगर स्टेपलर में पिन भी भरते ऐसा लगता है कि दीवारों में गोली भर रहे हैं। अच्छी बात है। तीन एक कविता सीधे सीधे सुनाता हूँ, भैया ने सुनाया कि हम आपके लिए बदनाम हुए हैं। एक शेर, मैं शेर चंदन है, मैं कहना तो नहीं जानता, मैं अपनों के जाल में खुद चल के फंस गया। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं अपनों के जाल में खुद चल के फंस गया, सांपों से डर रहा था, सपेरों ने डस लिया। सर बैठे हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, और विजय भैया का जो मेरे जीवन इस आयोजन में मैं खुद बोल करके आया हूँ कि मैं आना चाहता हूँ। ये सही बात है, ये बिल्कुल सही है। इस आयोजन में दिनेश का मुझ पर फोन आया कि भैया इस आयोजन में मैं आना चाहता हूँ। मैंने दिनेश को कहा कि दिनेश कहीं होगा तुम्हारा आयोजन, महात्मा गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री जयंती है, मेरी हमें आज़ादी का खड़ा दिया था, साबरमती के संत तुमने कर दिया हमारा ऐसा, साबरमती का संत उसकी जयंती लाल बहादुर शास्त्री जिसका आज 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिससे महिला है उस पर, एक का नारा अमन चयन क्रांति और एक का नारा जय जवान जय इसकी जयंती है। और मुझे मालूम है कि हिंदी के कवियों की बहुत सज्जन जगह आज डिमांड रहती है, तो क्यों अपने 50,00,000 रुपए का नुकसान करो, चंद्र को यही बात है, क्यों अपने 50,00,000 रुपए का नुकसान करो। लेकिन ये 2 व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, भैया मुझे आपके मंच पर कविता पाठ करनी है, पैसे की कोई बात नहीं, आपसे बड़ा पैसा नहीं है, चंद्र भी यही प्रधानमंत्री सब यहाँ पर कभी उपस्थित हैं, ये सब और सब और सब अग्रवाल कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, अग्रवाल कॉलेज के ऊपर व्यक्त करने के लिए हमारे मुन्ना पांडे जी, विजय तिवारी, बाबा तिवारी, अमित तिवारी, दर्शन तिवारी, मनीष प्रतलाल बहादुर सिंह, इनके ऊपर सिर्फ प्रेम व्यक्त करने के लिए एक बार जोरदार तालियों से करते हैं। आपको किसी कवि को, चंदन को, किसी को सुनने की शर्त क्या, मैं आज कहानी सुनाता हूँ, फिर जल्दी से कविता सुनाता हूँ आपको। पहली बार बहुत लंबे हड़ताल के बाद इस मंच पर हूँ तो 2 नई कविताएं सुनाऊंगा, एक आज पहली बार यहाँ सुनाऊंगा, हाथ से की सुनाऊंगा, और एक मैं आपको वो भी आपके लिए नहीं होगी। देखिए, एक फकीर रस्ते पर सो रहा था, उसके बगल का एक फकीर ने कहा कि खड़े हो जाओ। फकीर ने पूछा क्यों खड़े हो जाऊँ? बोला इस रास्ते से सिकंदर गुजरने वाला है। दूसरे फकीर ने पूछा कि कौन है सिकंदर? तो पहले वाले ने कहा इसने आधी दुनिया जीत ली है, आधी दुनिया जीतने निकला है। फकीर का जो जवाब है हर कभी कलाकार को सुनने की शर्त है। फकीर ने कहा कि नहीं खड़ा होऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं आधी दुनिया छोड़ चुका हूँ, आधी छोड़ने निकला हूँ। आप जब तक छोड़ करके कुछ नहीं आएंगे तब तक आपको सुनाना बहुत कठिन है। मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि मैं सतीश सर या सर हूँ, विजय भैया हूँ, हम ढिबरी के आगे पुआल पर बैठ करके नरकट की कलम से स्याही डुबो करके लिखने वाले लोग हैं। तो ये गरीब का दर्द मैं आपको सुनाता हूँ। आज ये गरीब हमारे गांव के सरपंच के पास जाता है या पंचायत में जाता है, उसकी तकलीफ मैंने कविता में पिरोने की कोशिश की है। फटी धोती नंगे पाँव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि राम धनी की बच्चिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। पहले हम कुएं से तालाब से गाय से अपने जन्म का रिश्ता जोड़ते थे। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बचिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। मजदूर हुजूर तहसीलदार बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना।
अधिकारी बोला तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस देश की मूर्ति हो? मजदूर बोला हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। मजदूर बोला हुजूर बना दीजिए ना दया खातिर, अगर आपने बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से, बुजुर्ग प्रधान उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला वापस नहीं आएंगे? बोले हाँ बुजुर्ग, अम्मा बताती हैं कि हमारा शौचालय खा गए। ये हमारा सड़क खा गए, ये हमारा आवास खा गए, ये हमारा आवास खा गए, इन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। बुजुर्ग ये सब इन्हीं की मेहरबानी है, हम इन्हीं की लिखी हुई कहानी है, हुजूर बलई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर जो किसान अपने शहर को गढ़ता है उसको मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए दो चार बार मरना पड़ता है, दो चार बार मरना पड़ता है। आप हुजूर न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है, अगर आपका पेट कलम तो हमारा कुदाल भरती है, हमारा पेट कुदाल भरती है। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था और 5 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था।